राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कथा सरित सागर से चुनी हुई एक कहानी सोना दे। हाँ, तो उसे केदार पर्वत कहते थे। हरियाली से लदा ऊंचा पर्वत, ऊंचाई से एक झरना नीचे घाटी में गिरता था। चारों तरफ घने वन, उन घने जंगलों में वन्य पशु रहते थे और वहीं वन में शुभनय नामक एक ऋषि कुटी बनाकर रहते थे। हर समय भजन पूजन और समाधि में लगे रहते। एक बार दो चोर कहीं से सोना चुराकर उस वन में आए। रात का समय था। धीरे धीरे, यहाँ शुभने ऋषि की कुटिया है। अच्छा, वो हर समय साधना करते रहते हैं। हम अपना माल यहाँ ऋषि की कुटिया के पास ही छुपाएंगे, यहाँ किसी को संदेह नहीं होगा। हाँ, अरे देखो, ऋषि की कुटिया में दीपक जल रहा है, वो जाग रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। बस 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 बस, ऋषि की कुटिया के पीछे यहीं यहीं गढ़ा खोदते हैं। शुभना ऋषि ने जमीन खोदने की आवाज सुनी तो कौन है इस समय जो है सामने आए? अंधेरे में कोई वन्य पशु आक्रमण कर सकता है। ए, चुप रहो। हाँ, जरा भी आवाज नहीं। अरे कौन है? कोई उत्तर नहीं, शायद कोई वन्य पशु है। ऋषि फिर से कुटिया में जाकर पूजा में लीन हो गए। दोनों चोरों ने उनकी कुटिया के पीछे गढ़ा खोदकर सोना छिपा दिया। ये हो गया। हो गया। सुनो, इस स्थान पर कुछ पत्ते डाल दो। अच्छा, जिससे किसी को जरा भी संदेह न हो कि धरती खोदी गई थी। हाँ, ये लो। चलो चलो निकल चले। कुछ दिन बाद जब हमारी खोज बंद हो जाए तो आकर निकाल ले जाएंगे। हाँ, आओ चलते हैं। सुनो, अब सब ठीक है। मैं देख आया हूँ। अरे शुभनय ऋषि तो आंखें मूंदे ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ कि हमने उनकी कुटिया के पीछे सोना छुपाया है। दोनों चोर शुभनय ऋषि की कुटिया के पीछे सोना छिपाकर चले गए। वे समझ रहे थे कि किसी को कुछ पता नहीं चला, पर ये उनका भ्रम था। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, वे भी चोर थे। जब ये दोनों सोना दबाकर चले गए तो वे चोर आए। और लूट का माल निकालकर चलते बने। शुभनय ऋषि को न सोना गाड़ने की जानकारी थी, न निकाल लिए जाने की। वे तो अपनी तपस्या में लगे थे। कुछ दिन बाद वही चोर जिन्होंने जमीन में सोना छिपाया था, शुभनय ऋषि की कुटिया के पास आए। ए, धीरे धीरे आओ। हाँ, आवाज मत करो, मुनि तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, अरे ये क्या? क्या हुआ? जमीन खुदी पड़ी है, सोने की पोटली गायब है। क्या? हम तो लुट गए। अरे क्या कहते हो, देखूं तो सही है।
अरे ये तो सच ही है, मुझे मुझे ये सब इस शुभनय ऋषि की शरारत मालूम होती है। शायद इसने हमें यहाँ सोना छुपाते हुए देख लिया था और हमारे जाने के बाद आकर निकाल लिया। दुष्ट चोर कहीं का, ऊपर से तपस्या का ढोंग करता है और मन में पाप रखता है। मैं अभी इसे बताता हूँ कि हमारा माल लेकर इसने अपनी आफत बुला ली है। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों चोर धमधमाते हुए शुभनय ऋषि की कुटिया में घुस गए। ओ ढोंगी तपस्वी, पता हमारा सोना कहाँ छुपाया तूने? शुभनय ऋषि आंखें मूंदे साधना कर रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने नेत्र खोले। कौन हैं आप दोनों, किस लिए आए हैं? आसन ग्रहण कीजिए। आहा हा, कैसा नाटक कर रहा है, जैसे हम कुछ समझते ही नहीं। ओ ढोंगी तपस्वी, तुरंत हमारा सोना हमें सौंप दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सोना? कैसा सोना, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। दुष्ट चोरों ने शुभनय ऋषि को मारना शुरू कर दिया। अरे 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 अरे, ईश्वर ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। अरे अरे, दोनों चोर ऋषि को मारते रहे मारते रहे। अब बस करो दुष्टो, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। शुभनय ऋषि जितना कहते चोर उतना ही उन्हें मारते। चोरों ने मार मार कर उनकी आंखें फोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए, फिर उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, उन दोनों दुष्टों को भी क्षमा करना। शुभनय ऋषि की हालत बहुत बुरी थी। उसी दिन वहां के राजा शेखर ज्योति ऋषि के दर्शन करने आए। वो शुभनय ऋषि के शिष्य थे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अरे अरे, ये क्या, अरे आप तो बुरी तरह घायल हैं, ये कैसे हुआ, कौन है वह दुष्ट? हे ईश्वर, हे कौन, शेखर ज्योति कैसे हो? और कोई चिंता नहीं, बस साधना में विघ्न पड़ गया। मैं उन दुष्टों को मारे बिना न छोड़ूंगा। शेखर ज्योति ने उसी समय दोनों चोरों की खोज में सैनिक भेज दिए। वो अत्यंत क्रोध में थे। चोर जल्दी ही पकड़ लिए गए। सैनिक उनके हाथ पैर बांधकर शुभनय ऋषि की कुटिया पर ले आए। गुरुदेव, आपके दोनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं, मैं इन्हें प्राण दंड देता हूं। नहीं राजन, ऐसा कभी नहीं करना। क्यों गुरुदेव, ऐसे दुष्टों को जितना दंड दिया जाए उतना कम है। इन्होंने आप जैसे पवित्र व्यक्ति की ये दशा कर दी। बस गुरुदेव, आज मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा। दोनों चोरों के प्राण संकट में थे। उन्होंने इतना भयंकर कांड कर डाला था, फिर भी ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। शेखर ज्योति, तुम इन्हें दंड देकर अपना राजधर्म निभा रहे हो, तो फिर मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो क्या गुरुदेव? मेरा काम क्षमा दान है, सब पर दया करना। क्या मुझे भी बुराई का बदला बुराई से देना चाहिए? गुरुदेव, किंतु मैं दोनों चोरों को क्षमा करता हूँ। शुभनय ऋषि की महानता देखकर दोनों चोरों के सिर लज्जा से झुक गए। वे पश्चाताप के भाव से रोने लगे। ऋषिवर,
हम आपकी क्षमा पाने योग्य नहीं है। हमने कितना बड़ा पाप कर डाला है। हमें प्राण दंड मिलना चाहिए भगवान। हमने अपना पूरा जीवन इन्हीं गंदे कामों में बर्बाद कर दिया। हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं भगवान, कोई अधिकार नहीं। पश्चाताप के आंसू हर पाप को धो देते हैं। मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ भगवान। दोनों चोर ऋषि शुभनय के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, इन्हें मैं छोड़ देता हूँ। राजा ने दोनों चोरों को छोड़ने का आदेश दे दिया। उन दोनों ने ऋषि शुभनय की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाने का निश्चय कर लिया। गुरुदेव, आपने हमें नया जीवन दिया है। अब हमें सच्चा मनुष्य बनाइए गुरुदेव। अपने पास रहने और सेवा करने की आज्ञा दीजिए। तुम दोनों का कल्याण हो। सोना दे। अभी आप कथा सरित सागर से चुनी हुई ये कहानी सुन रहे थे, जिसका रूपांतर किया देवेंद्र कुमार ने। इसमें भाग ले रहे थे एसएम जहीर, अरुण माथुर, ममता गुप्ता, दिनेश वर्मा और विकास मेहरोत्रा। विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता। परियोजना निर्देशन एलजी सुमित्रा। ध्वनि अंकन दीपक पांडे। प्रस्तुति सहायक वंदना निकम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे अजीत गुप्ता।